खानयाल मेरे दोस्त, हम तेरे अंदर की पेन को फील कर सकते हैं। पिछले 12 साल से तुझे जानते हैं हम। आज के दिन लास्ट ईयर तेरी अम्मा वफ हो गई थी, पर तू हिम्मत कर मेरे दोस्त, हिम्मत कर। द शो मस्ट गो ऑन। कैसे हिम्मत करूं यार, कैसे अपनी मॉम को मिस ना करूं यार। मेरी मॉम, मेरी अम्मा कितने मजे मजे के देसी घी के पराठे मुझे बना के खिला दी। बाबा तू जानता है मैं ये गलती करता था, मेरे कान के नीचे दुख कड़कते कड़कते लगाती थी। मॉम आई रियली मिस यू, आई लव यू सो मच मॉम, आई लव यू सो मच मॉम। Twinkle, twinkle, little star, Dani ki amma, where you are? अरे बोरी, हेलो आंटी जी, कैसी हैं? ये दानी, वो देख तेरी अम्मा तुझे ऊपर से देख रही है। जी कुछ कहना चाह रही हैं? दानी से? हाँ बोलिए। दानी, तेरी अम्मा तेरे को बोल रही है कि उनकी फिक्र मत कर, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, और कल जो काम हम करने वाले हैं, जिसकी तैयारी 3 महीने से कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे। बोल दिया आंटी, टाटा बाय बाय, अब कट लें। सुना क्या बोला आंटी ने? सुना। ये ले, 12 बज गए, मतलब डेथ एनिवर्सरी खत्म। सो बॉयज, कल का दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, समझे? कल हम तीनों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। पे अटेंशन बॉयज, ये बैंक का मैनेजर आफ्ताब, उम्र 55 साल, और ये है असिस्टेंट मैनेजर सारा, उम्र 25 साल। बैंक के मेन लॉकर का कोड इसी के पास होता है। लेट्स व्यू द इंटीरियर ऑफ द बैंक। अपने बॉस की जिंदगी चाहती है तो तिजोरी खोल, बोलती है अगर मैं इसको गोली मार देता हूं।
आराम से करो। ऐसी मीडिया स्क्रीन वाली जगह भी नहीं आना चाहिए। यस। बाहर से मीडिया स्क्रीन वाली जगह भी नहीं आना चाहिए। यस। इस जगह को कस्टडी में लेके फिंगरप्रिंट ट्रेस करवाओ। सारे बड़े प्लांट चोर थे सर, सारे कैमरे क्रैश करके डीवीडी टेप्स भी चला। तो एनी शाही दीन की मदद से स्केचेस बनवाओ यार। तीनों ने मास्क पहने हुए। बास्टर्ड्स, कोई तो गलती करके गए हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ये मेन लॉकर रूम किसने खोला है? आपने? नहीं सर, बैंक की असिस्टेंट मैनेजर है सारा, उनसे ये कोड डायल करवाया गया है। अच्छा, बुलवाइए जरा उन्हें। इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस हादसे में बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड है। आपकी जितनी भी रकम का नुकसान हुआ उसका एस्टिमेट लगवाइए, और मोहम्मद खान यहाँ सबके बयानात रिकॉर्ड करो और FIR काटो। राइट सर। मैं भी देखता हूँ कितनी देर तक एंजॉय करते हैं सर।
चटर पटर चटर चटर जवानी हाँ चटर पटर चटर चटर जवानी हाँ चटर पटर 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 जवानी पटर 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 जवानी 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 We've done it! Done it! पैसों को मैंने तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है ओ दानी चाहे तो गिन ले बाजारी औरत और लूट के माल को चेक करना मेरी आदत नहीं इतने सालों से चोरियां कर रहे हैं हैं? लेकिन ईमान से इतना बड़ा हाथ पहली बार मारा है कसम ले लो वे जान के लाले पड़ सकते थे इतना रिस्की था इस बैंक को लूटना क्यों मानता है भाई की प्लानिंग मैं तो कहता हूं पिछली सारी वारदातें एक तरफ इस रॉबरी की बात ही कुछ और है वाकई बात तो और है अब तक जितनी चोरी हमने की हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई किसी को जख्मी नहीं किया किसी को मारा नहीं और इस बार तो वो कर दिया जिसका पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा ओ भाई क्या हो गया है गलती थी बस हो गई छोड़ना यार तू तो लेके ही बैठ गया अयो मेरे रोमियो इस कॉलेजी में एमए वेमए करना है क्या तेरे को तू भी यार खामखा छोड़ उसे कब तक वो गलती को पकड़ के बैठा रहेगा अपनी है और हमें क्या बताओ लौंडिया जिंदा भी है कि मर गई आप देख सकती हैं डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर मैं कह रही हूं मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ मिस सारा माय नेम इज इंस्पेक्टर कबीर इस बैंक रॉबरी वाले केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूं क्या आप किसी भी ऐसे शख्स को पहचानती हैं जो उस बैंक रॉबरी में मुलव्वस हो या फिर उस शख्स को जिसकी फायरिंग से आपकी आंखें जाया हों मैंने नहीं देखा किसी को इंस्पेक्टर झांक रहा है कोई दिल की आंखों से क्यों देखती है
उसे मेरी आंखें बेसबब किसी का आंसू मेरी आंखों को भिगो चाहते हैं। क्यों? फोन पे नहीं बता सकता। कहां मिलना है? धानी पुल, जहां पहली बार चोरी का माल छुपाया था हमने। 6:04 बजे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तू दोस्तों को भूल गया है। पुलिस अलर्ट है और मुझे लगता है कि सेफ यही रहेगा कि कुछ अरसा में एक दूसरे से ना मिले। एक तो तुझे लगता बहुत है यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हिलना मत हिलना मत। बाल है, विश मांगेगा? रुक रुक, मैं मांगता हूं। ओ गॉड, आपको तो सब कुछ पता है, आपसे तो कोई बात भी छुपी नहीं है। 30 करोड़ के हीरो की चोरी हुई है और कुछ दिनों से हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। एक बार, सिर्फ एक बार चोर से मिलवा दे गॉड। ओ भाई, तेरी अवाइयां क्यों उड़ गई हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? किसने की है चोरी? जाहिर है, कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन या इनविजिबल मैन तो आया नहीं है। ये काम अपना ही किसी बंदे मैन का है तो पता लगाना पड़ेगा
के कौन है जिसने जिस थाली में खाया उसी में मुंह दिया और वो धोखेबाज हम तीनों में से कोई एक है। क्या बोल रहा है तू बाबा? तुझे क्या लगता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को चीट करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर पुलिस की चाल है। पुलिस ने जानबूझ के खबर फैलाई है ताकि वो चोरों तक पहुंच सके, हम तक पहुंच सके। ठीक है, तू भी यहीं, हम भी यहीं। दो तीन दिन में बात खुल जाएगी, तब तक बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। कोई भी फ्रॉड या कोई भी डाका तुम्हारा शक से भी एक इंसान बचाता है, जो कि मैं हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे माजी में कुछ चोरियां हुई। देख, जब तक छोटी मोटी चोरियां हो रही थी ना, कानून आंखों पर पट्टी बांधकर अंधा होने की एक्टिंग कर रहा था। जिस दिन तेरा जुर्म साबित हो गया, बंदूक तेरे मुंह में होगी और चीख तेरे पिछवाड़े से निकलेगी। सुना था कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। मतलब आपको एक शरीफ आदमी और एक चोर, मतलब चोर में फर्क ही नजर नहीं आता। माँ के शरीफ आदमी, चोरी के अलावा तुम लोगों का धंधा ही क्या है? स्नूकर क्लब है हमारा, जहां से आप लोग हमें लाए हैं। अच्छा खासा कमा लेते हैं हम लोग। वैसे टिप भी तो भेजते हैं आपके थाने में है? ना, तुम दोनों क्या समझते हो, पुलिस चूतिया है? नहीं मेरे बच्चे, पुलिस जानबूझकर कछुए की तरह चलती है, स्लो। और जितनी देर तक नजरअंदाज कर रहे हैं, संभल जाओ। जिस दिन हंटर उठा लिया, बहन फाड़ के रख देंगे।
पुरानी फाइलों में नाम है तेरा, जिन्हें हमने रद्दी बनाकर फेंका हुआ है। बेटा जिस दिन तेरी फाइल खुल गई और ये बात साबित होगी कि तू एक प्रोफेशनल चोर है, उस दिन जेल की सलाखों के पीछे तो लाजमी जाना पड़ेगा। मान लो इंस्पेक्टर हाँ, तुम्हारा कानून बूढ़ा हो चुका है। जाली अक्स डालने और चीखने चिल्लाने के अलावा कर क्या सकते हैं पुलिस वाले? इस केस के हल होने तक तुम्हें और तुम्हें किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। हाँ साहब, हमारा क्या है, जब बुलाएंगे हाजिर हो जाएंगे। I'm sorry, मेरा एक्सीडेंट हो जाता अभी। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मिस सारा। आप मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता मिस सारा, मतलब आपकी वो जो बैंक रॉबरी वाली न्यूज थी, वो 24 घंटे मीडिया सिर्फ आपका ही चेहरा दिखा रहा था उन दोनों। और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने हकीकत में आज आपको देख लिया। सो गुड टू सी यू। बाय द वे, मेरा नाम दानियाल है। नाइस टू मीट यू दानियाल। सेम हियर मिस सारा। बाय द वे, आप इस तरह अकेली? हाँ, वो मैं डेली वॉक पे आती हूँ यहाँ पे। वेरी नाइस, काफी पुरसुकून माहौल है यहाँ का और व्यू भी बहुत अच्छा है। जिसकी आंखें चली जाए उसको व्यू से क्या खर्च? अरे आंखों से क्या फर्क पड़ता है, अभी आपने देखा आंखों वालों का हाल किस तरह अंधों से भी बदतर ड्राइव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखों की जगह कोई टच बटन लगे हो। खैर वैसे मिस सारा, यहाँ पास में कैफे है और वहां बहुत ही जबरदस्त कॉफी मिलती है। वुड यू माइंड अ कप ऑफ कॉफी विद मी? नो थैंक यू, एक्चुअली देर हो जाएगी मुझे। आई नो, काफी ऑड लगता है कि एक अजनबी आदमी आपको इस तरह से कॉफी ऑफर कर दे, लेकिन आप मुझे अपना फैन समझिए और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीएंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आई वोंट फोर्स यू। अच्छा 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 अच्छा, आपको मैं कोई बहरूपिया लग रहा हूँ राइट? ऐसी बात नहीं है, आप बातों से तो काफी अच्छे इंसान लगते हैं और आपने मेरी हेल्प भी की है, पर एक्चुअली मेरी रीजन सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ अपने हाथ की कॉफी पीती हूँ। लो, ये तो और भी अच्छी बात है, तो मतलब आप मुझे अपने हाथ की कॉफी नहीं पिलाना चाहती? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं आपका फैन तो हूं ही, लेकिन अभी मैंने आपको एक्सीडेंट से बचाया, आपकी जान बचाई, एंड आई एम श्योर आप एक कप कॉफी मुझे पिलाकर मुझे थैंक यू कहने का मौका नहीं गंवाएंगे। ओके ओके, तो चले? जी चले। वाह भाव, 75 में 5 पेटी खाई, बड़ा ही प्लेयर निकला साला। तो अंधी के दिल में एंट्री मारने का रास्ता ढूंढ ही लिया उसने। मुझे तो कुछ और ही सीन लगता है, दानियाल जैसे क्रिमिनल लव शॉप में पड़े। सीरियसली, ये बात हजम नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो,
हम जैसे लोग दिल की नहीं दिमाग की बात मानते हैं। उस बेवकूफ अंधी को तो यह भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में परमानेंट लोड शेडिंग करने वाला उसका अपना आशिक है। आइए आप। जी आपकी पिक्चर्स देख रहा था। नाइस कलेक्शन। ये मेरा पास्ट है जिसको मैं देख तो नहीं सकती लेकिन महसूस बहुत अच्छे से कर सकती हूं। खैर आप आए मैं आपको कॉफी पिलाती हूं। कॉफी। एक्सक्यूज मी। हाय। ये सब क्या है बाबा? मेरी जान के टोटे। वाह क्या बात है। मान गए नोमी हमारी भाभी के भले ही दोनों बल्ब फ्यूज हो गए लेकिन हमारे दोस्त के 14 तबक रोशन कर दिया उसने। कभी हमें भी तो मिलवाओ उस अजीम हस्ती से। हम भी उसे कोई पुराने किसे कहानियां सुनाए कि उसका आशिक उसे कितना टूट के प्यार करता है। इतना टूट के प्यार करता है कि पहली ही नजर में उसकी आंखें छीन ली। पर अब डोंट वरी हम फिर भी तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त होते तो इस तरह से
चोरों की तरह मेरे घर की तलाशी नहीं लेते, मुझ पे भरोसा करते, मुझ पर एतमाद करते। एतमाद? एतमाद तो मेरी जान वो अंधी ही तुम पर कर सकती है, वो भी अंधाधुन एतमाद। बाबा का शक यकीन में बदल चुका है, तेरे ही पास। मान जा दानी, मान जा, मेरे अंदर के कुत्ते को उंगल मत दे, वरना तेरा खून मुझे हीरो का रास्ता दिखाएगा। होश में आ बाबा, अब तुम मेरी बर्दाश्त की और हमारी दोस्ती की सारी हदों को फलांग रहे हो। अरे बाहर में गई दोस्ती। देख, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने जैसे पैसे बांटे थे आपस में, वैसे हीरे भी बांट लेते हैं बराबर, इतनी सी बात है। वरना तू मुझे जानता है, तू जानता है दानी, बाबा को धोखा देने वाले को जिंदगी धोखा दे जाती है। यू नो इट। कोई बात नहीं, अगर तुम हमें सच नहीं बताना चाहते तो हम खुद सारा से पूछ लेंगे। हेलो हेलो मिस सर। डैनियल आप? नॉट बैड, आपने मेरी आवाज भी पहचान ली। साहिर, जब से आंखें गई हैं तब से सुनने की सेंसेस ज्यादा शार्प हो गई। वैसे उस दिन आप कॉफी पिए बगैर चले गए थे। उस दिन मुझे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं आपके साथ वॉक करूंगा ना, तो चलें। श्योर। कुछ खरीद कर किस्मत की दुकान से भर दूं उसका दामन खुशियों के सामान से। बैंक रॉबरी वाला केस डिपार्टमेंट के लिए खासा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो क्लू हाथ नहीं आ रहा है यार। एक नई इंफॉर्मेशन मिली है सर, बैंक असिस्टेंट सारा और दानियाल आजकल एक साथ देखे जा रहे हैं, दोनों के दरमियान कुछ चल जरूर रहा है सर। इंटरेस्टिंग, लगता है वो प्रोफेशनल चोर उस अंधी के दिल की तिजोरी में हाथ डालना चाहता है। तुम फ्लर्ट कर रहे हो ना? लो जी, एक मासूम इंसान अपने दिल की बात कह रहा, तुम्हारी दिल से तारीफ कर रहा और तुम इसे फ्लर्ट कह रही। नॉट फेयर। तुम पागल हो गए, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, अगर मैं अपनी बात कहने पे आया तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी,
लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। बात बहुत सिंपल सी कि फ्लर्ट फ्लर्ट की एज मेरी बहुत पीछे रह चुकी है। मैं कुछ समझी नहीं। बस यूं समझ लो कि मैं अपनी आने वाली सारी जिंदगी तुम्हारे साथ होने के एहसास के साथ गुजारना चाहता हूं। सारा मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरी आंखों से देखो। क्या काफी इंटेंस हो गया? चलो इसको मैं काफी सिंपल करता हूं। सारा तुम उसे शादी करोगी? व्हाट? Sara, I love you. And I want to love you for the rest of my life. Please, mujhse shaadi kar lo. Please. प्यार में हूँ खोया इस कदर जब से आ गई तू दिल के घर। मेरी रात मेरी तू सहर चैन मेरे तेरे दिल का दर। तेरी आशिकी मेरी जिंदगी मेरी बंदगी है कह रही मेरे धड़कनों की जुबान। मुझे डूब जाने दो ऐसे जमाने दो दीवाना तेरा कहे मुझको बिखर जाने दो। हो जाऊं दिल की है सदा। जाए ना तू मेरी जिंदगी से ये है दुआ ना हो जुदा। तेरी आशिकी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बनी बंदगी की जुबान। महसूस होने लगा पूरी हुई हर कमी जब से मिली है मुझे तेरे प्यार की रोशनी।
आशिकी मेरी जिंदगी बनी बंदगी है कह रही मेरे धड़कनों की जुबान मुझे डूब जाने दो ऐसे जमाने दो दीवानी तेरी कहे मुझको बिखर जाने दो के फड़ीचर मजनू कुछ याद आया तेरे कहाँ है या फिर अभी भी वही पुराना जैसा पेटा टोपी ड्रामा मेरा नहीं तुम लोगों का चल रहा है और बार बार एक ही बेहुदा सवाल करने से मेरा जवाब नहीं बदले जवाब बदले ना बदले लेकिन आज तेरे चेहरे की जियोग्राफी जरूर बदल जाएगी जब बजेगी तेरी घंटी भाइयों तुम कहां रह गए थे कब से कॉल कर रही हूं उठाए क्यों नहीं मेरा फोन मैं हूं इंस्पेक्टर कबीर आई एम सॉरी इफ यू डोंट माइंड कैन आई कम इन या श्योर आइए लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया आपको शायद किसी और का इंतजार था अब और इंतजार नहीं होता बता दे दानी बता दे देख तू दोस्त था इसलिए तुझसे आराम से पूछ रहे हैं ये हीरोगिरी ये माथे के बल ये बॉडी मूवमेंट दिखाना छोड़ मेरे एक्शन हीरो और बता हीरे कहाँ हैं My cute friend? Friend या boyfriend? Excuse me? Well, I'm just asking. वैसे आप अकेली रहती हैं, जवान हैं, आपको थोड़ा मोहतात होकर रहना चाहिए मुझे पता है कि मुझे किस तरह रहना चाहिए And thanks for your advice. आपके अचानक आने की वजह बताएंगे मुझे वजह तो वही है पिपरी बैंक रॉबरी जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ और एक बात बोलूं तुझे मैं वो क्या है कि हमारे सीनों में ना दिल नहीं है समझा हमारे सीनों में बाबा जी के फोटो वाली नोटों की थदियां हैं थदियां नो हार्ट नो फीलिंग ब्रदर सब एकदम खोखला तो आदत डालो मेरे जवान हीरे मेरे पास नहीं है चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए बता दो वरना कब्र के अंधेरों में उतार देंगे मुझे अब अंधेरों में रहने की आदत सी हो गई है आप इस वक्त इमोशनल हो रही हैं और चीजों को प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहे आप प्लीज पर्सनल मत होइए कम टू द पॉइंट आप मेरी मानिए और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए जिस
दानियाल से आप इतना क्लोज हो रही हैं, उसका कंधा बिल्कुल भी एतमाद के काबिल नहीं। पुलिस की फाइल में उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है मिस सारा। इनफैक्ट दानियाल एक चोर। चांसेस ये भी है मिस सारा कि इस बैंक रॉबरी में भी उसका हाथ हो। देखिए मैं दानियाल पे डाउट और उसकी वजह से हर उस शख्स पे भी जो कसूरवार की मदद करे। मिस सारा इन क्रिमिनल्स के चक्कर में कहीं आप भी ना घसीटी जाए और हो सकता है कि आपकी आंखों का नुकसान। बस तेरे हाथों उस सारा की आंखें जाया हुई थी ना, अब हमारे हाथों तेरे साथ साथ वो पूरी की पूरी जाया होगी। Oh.
सारा, सारा मेरी बात सुन। यहाँ से हाथ मत लगाना मुझे, कहना थी तुमसे मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं सारा नहीं, प्लीज ऐसे मत कहो। नहीं दानिया, तुम झूठे हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो, फ्रॉडी हो तुम। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है ना, क्या मिला मुझसे झूठ बोल के? जवाब दो, क्या मिला मुझसे झूठ बोल के? सारा कौन है वो, कौन है वो सारा जिसने तुमसे मेरी मोहब्बत छीन कर मेरे लिए नफरत की सौगात तुम्हें बख्शी है? सारा प्लीज मुझे इसका नाम बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तुम नहीं, दीवानी मैं हो गई हूं, जो तुम्हें जाने पहचाने बगैर अपनी अंधी जिंदगी का हद्दा बना बैठी। क्या कसूर था मेरा? सारा बस कर दो, बस कर दो, वरना मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हारे सीने में अगर दिल होता ना तो मेरा दिल चोरी करने से पहले तुम एक बार जरूर सोचते कि तुम एक प्रोफेशनल चोर हो। चुप क्यों? हां बोलो, क्या तुम चोर नहीं हो? सारा मैं मानता हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत के हरगिज लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। सच बताओ दानियाल, क्या वो बैंक रॉबी तुमने की थी? कुरान और हदीस की रोशनी में झूठ के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमें कुरान और हदीस झूठ से बचने का जो है वो हुक्म दे रहे हैं। अगर किसी मुसलमान की जान बचाना नजर आ रहा हो तो वहां पर इंतहाई हिकमत अमली के तहत हम जो है वो इस अंदाज में झूठ को इख्तियार करें कि वहां पर मुसलमान की जान जो है वो महफूज हो जाए, क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए उसका जान का बचाना वो अफजल व आला और इंतहाई बेहतर है और इंतहाई सवाब का काम है। दानियाल खामोश क्यों हो तुम? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? दानियाल, सारा की जिंदगी और अपनी मोहब्बत बचाने के लिए सारा से झूठ बोल दो कि तुम बैंक रॉबरी में शामिल नहीं थे। झूठ बोल दो वरना सारा का दिल टूट जाएगा। मैं बैंक रॉबरी के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या ये सच है? सच तो यह है सारा कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस प्यार, जिस मोहब्बत को सारी जिंदगी में तरसा हूं, उस मंजिल को इतने करीब पाकर मैं रास्ते से नहीं भटक सकता। प्लीज प्लीज सारा मुझे माफ कर दो। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, किसी नई जगह जाके अपनी नई जिंदगी आबाद करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें तुम्हें आज के बाद से इन सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा सारा। हम दोनों एक नए सफर का आगाज करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। दानियाल, हीरे और अपनी उस अंधी महबूबा को बचाने के लिए कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएगा। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए,
अपने सब बॉयज को बोल दो उस पर नजर रखें। Ah!
जा दानी मेरी जान एंजॉय कर, तेरी अमानत मेरे पास महफूज है, जहां कहेगा जब कहेगा पहुंचा दूंगा। तेरी सांसें मेरी सांसें चली है, प्यार में एक दूजे के रूहें ढली है। ओ, लेके तेरी सांसें मेरी सांसें चली है, प्यार में एक दूजे के रूहें ढली है। रास्ते पुराने सारे पीछे छोड़ आए, जिंदगी कहे अब कोई नया मोड़ आए।
चारों तरफ है तेरे प्यार का सहर, मिलके सजाएंगे दिल का शहर। खुद से आने लगी हमको खुशबू तेरी, तेरी धड़कन लगी मुझको धड़कन मेरी। जानिया 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 दानियाल, उठ जा, सुबह के 8 बज गए। क्या हुआ? मुझे वॉक पे जाना है और कुछ ग्रोसरी भी लेकर आनी है, चलो मेरे साथ। सारा प्लीज प्लीज आज तुम चली जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। इसीलिए कहती हूँ वीकेंड पे कम पिया करो। अच्छा ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। आई लव यू। लव यू टू। हेलो सारा मैडम। हाय जॉर्ज भाई, आज तो न्यू ईयर नाइट है, तो तुम्हारे कोई प्लान्स? कुछ खास नहीं, बस लेट नाइट ड्यूटी। आपके लिए गाड़ी रोकूं? नहीं, मैं वॉक पे जा रही हूँ। आज आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। वो अभी सो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अंधी हो क्या? हाँ मैं अंधी हूँ। Hey baby, I'm back. Hello? Hello? जानू, जानू स्टॉप प्लेइंग हाइड एंड सीक। फाइन, अब तुम्हें ब्रेकफास्ट तभी मिलेगा जब मैं शावर लेकर आ जाऊंगा।
Stay here. तो मेरी स्नोई को भूख लगी है, अभी देती हूँ अपनी स्नोई को खाना। आला मेरा टेस्ट काफी मिलता जुलता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हम दोनों का एक ही चीज पर दिल आ जाए, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। इतना किलिंग माल सामने पड़ा हो तो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। आर यू ओके बेबी? हाथ पांव टाइट बांधे हुए, इट्स हर्टिंग। ओके, तुम मेरी हेल्प करोगी सारा? गुड गर्ल। तो दानियाल ने तुम्हें क्या बताया था कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो उसने बताया था कि वो कोई जॉब करता है और कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट भी। दानियाल एक चोर था, उसने कुछ ऐसा चोरी किया जिस तक तुम मुझे पहुंचाओगी। क्या बोल रहे हो तुम? दानियाल ने सारे चोरी चकारी वाले काम खत्म कर दिए थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा? ट्रस्ट मी, अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें कब का बता चुकी होती। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूं? अगर अब तुमने झूठ बोला तो मैं पहले तुम्हारे कान चीरूंगा और फिर आंखें जो पहले ही पंक्चर हैं। कम ऑन बेबी, टेल मी, बोलो। मैं अपने कपड़े चेंज कर लूं? हाँ कर लो। मुझे उसे मारना पड़ा बाबा, अचानक सामने आ गया, क्या करता। लेकिन अब सब अंडर कंट्रोल है, पैसों का भी उसने कुछ नहीं बताया बाबा, लेकिन बता देगी
थोड़ा वक्त दो मुझे। पूछ रहा हूं बाबा, पूछ रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ हाँ बाबा, तुम क्यों फिक्र करते हो, ट्रस्ट मी। डैम इट, सारा तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, सच सच चुगल दो, हमारा पैसा कहां है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन करूंगा। मैं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला हूं सारा, बहुत तकलीफ। You hurt me. Zara. Zara. बहुत जोर से मारा तुमने माथे पर, ये जख्म no good Zara, no good. इसका हिसाब तो होगा। भाई कौन है यहां? जॉर्ज, सारा मैम, जॉर्ज हेल्प मी, जॉर्ज आ गया, जिसने दारू को भी मार दिया मुझे मारना चाहता है। तुम जाके पुलिस को कॉल करो फौरन। अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, आप जहां हैं वहीं रहें। नहीं जॉर्ज, तुम जाके, कह रही हूं जाके पुलिस को कॉल करो। मैं इस बिल्डिंग का गार्ड हूं और मेरी ड्यूटी है आपकी हिफाजत करना। आप घबराएं मत मैडम, मैं यहीं हूं। जॉर्ज, अब तुम्हें नहीं सुन सकता, वो मर गया सारा। प्लीज मेरी मदद कर दे, वो मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आई नीड योर हेल्प, प्लीज मेरी बात कर दे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी बात कर दीजिए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी मैं, मेरी मदद कर दे, मैं आई नीड योर हेल्प। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए जी, आप लोग जा सकते हैं, मैं यहाँ सामने सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
मिस साहब पहले तो रिलैक्स करें प्लीज, मुझे बताइए क्या हुआ। चलिए मैं आपको किसी सेफ जगह पर ले चलता हूँ, आइए आइए आइए। आप पुलिस को कॉल करें फौरन, उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया है और वो मेरे पीछे पड़ा है। अब मेरा नाम है सारा, सारा दानियाल, हम जो वो यही कहीं होगा और लाश अभी ऊपर अपार्टमेंट में पड़ी है। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। एड्रेस बताइए मुझे अपना। डिलक्स अपार्टमेंट, पेंट हाउस 34। जी सलाम अलैकुम। जी मेरा नाम सिराज खान है, मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मुझे एक खातून मिली है, काफी परेशान है, कह रही है कि उनके हस्बैंड को किसी ने मर्डर कर दिया है। मुझे तो क्रिमिनल केस लग रहा है, तो आप प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। ये डिलक्स अपार्टमेंट 34 राइट? पेंट हाउस 34। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आ रहे हैं वो पुलिस वाले, आप आइए आइए ना। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। पुलिस कब तक आएगी? बस अभी आने ही वाली है, डोंट वरी। हेलो सारा। वो ही है, वो ही है। आई नो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन रहा आज का। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो तू नोमी, तूने वो दानियाल को टपका दिया इससे पहले कि वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता। चीता, और उसके बाद ये 55 किलो की लौंडिया तुझे उल्लू बना के भाग गई। नहीं बाबा ऐसा नहीं है ना, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक्सेप्टेड, मान ले कि तूने सारे प्लान दिया है। नहीं बाबा ऐसा नहीं हुआ। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपना ये उजड़ा हुआ लेके दफा हो जाए यहां से, मुंह धो के अपना। लीव, एक तो जिसे देखो इस सेकंड हैंड जवानी के पीछे पड़ा रहता है। पता नहीं क्या है इस छिछोरन में। सुनो लड़की, अब तक तुम्हें एक बात तो समझ आई गई होगी, वो वाहिद चीज जो तुम्हें उस जल्लाद से बचा रही है वो मैं हूं, वरना वो एक मिनट नहीं लगाएगा तुम्हारी लाश बिछाने में। समझ रही हो ना तुम? वैसे अपनी तरफ से बड़ा जबरदस्त आशियाना बनाया तुम दोनों ने मोहब्बत का। है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बाबा मुझे ऐसा ही फ्लैट चाहिए वैलेंटाइन्स डे पर। ये आलीशान महल इस बेवकूफ ने ये सोच के बनाया होगा कि यहाँ कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन कब तक, एक ना एक दिन तो मैंने ढूंढ ही लेना था ना। तुम करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? आई गेस सब कुछ।
पैसों तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता हूं। कभी सोचा है तुमने, दानियाल जैसा मिडिल क्लास लड़का कैसे अफोर्ड कर सकता है ये सब? हाँ, पैसा था उसके पास। क्यों? किसी लैंडलॉर्ड की औलाद था, कोई जद्दी पुश्ती रईस था? कभी उसने तुम्हें अपनी लाहौर की जिंदगी के बारे में बताया, अपने चोरी और डकैती के बिजनेस के बारे में? हाँ, बताया था उसने। वो कुछ अरसे तक तुम जैसे बुरे लोगों की सोहबत में था, लेकिन उसने फिर वो दुनिया छोड़ दी थी और मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी पलट कर वैसे काम नहीं करेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? टोपी घुमाने का मास्टर था वो, मास्टर झूठा नंबर वन। तुम्हें ये स्टोरी सुना के लुढ़क गया साला। ये बिल्ली तुम्हारी है? हाँ। क्या नाम है इसका? स्नोवी। स्नोवी? वाओ, ये तो मीसनी ही लगती है अपनी मालकिन की तरह। वैसे जितना मैं उसे जानता हूं, ही वॉज अ मास्टर प्लानर। पैसे को अपने से दूर रखने की गलती वो नहीं करता। माल यहीं कहीं है, इसी घर में। ए, चल मेरी बुलबुल, अब तो मुंह खोल दे और बता दे बाबा को पैसे कहाँ है। बाबा खुश हुआ तो तुझे भी दो चार लव बाइट्स दे देंगे मेरी जान। दानियाल दोस्त था हमारा, हम हर चीज आपस में शेयर करते थे बराबर, यू नो, जैसा कि चोरी का पैसा। पर तुम शायद ये नहीं जानती हो कि ये जो तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है, इसका जिम्मेदार भी दानियाल है। एज अ रिजल्ट दानियाल ने सोचा कि एक बेसहारा बेआसरा लड़की को कंधा दे देता हूं, और यहां से शुरू हुआ तुम्हारा ब्लाइंड लव। दानियाल ने बहुत होशियारी के साथ यहीं कहीं चोरी का माल छुपाया है। मुझे पूरा यकीन है पैसा यहीं कहीं है। अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन दी यार तूने। ऑफ कोर्स पैसे यहीं हैं, और अगर तू उसे मारता ना तो इस वक्त हमारे पास होते। मुझे 10 मिनट दो, ये सब कुछ पकेगी। इतना तू स्मार्ट होता तो बात ही क्या थी। ठीक है, शुरू हो जा, और जान से ना मार देना इसको भी कहीं। प्लीज मुझे इसके पास अकेला मत छोड़ के जाए। I'm sorry baby, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। No, me stop it. Enough. ये तस्वीर कुछ अजीब सी है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कोई राज है इसमें। एक काम करते हैं, इस तस्वीर को यहां से उतार के कहीं और लगाते हैं। क्यों यार? एक तो तू सवाल बहुत करता है, जितना कह रहा हूं उतना कर। ओके चल। चाकू दे अपना।
मियान से तेज है बहुत, तुझसे ज्यादा नहीं। बाबा आंखें है या एक्सरे मशीन, अंदर भी छुपी चीज को तुम ढूंढ लेते हो। मान गई मेरी जान, यूर अ जीनियस। पैसे अब छोड़ दो मुझे, फर्स्ट मेरी जान को। चल बाबा, we should leave now। देखो तुम एक मजबूत और समझदार लड़की हो, कुछ उल्टा सीधा मत करना वरना खामा खाम मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे आज मुझे पता चला दानियाल ने हमें धोखा क्यों दिया। यू आर ब्यूटिफुल। बाय। मैंने सोचा था ये सब वक्त।
बाबा का ख्याल है कि यहाँ अब भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? ज़हन पर जोर दो, याद आ जाएगा क्या बाकी है। इसे फेंक दो सारा, तुम खुद को जख्मी कर लोगी। मैंने कहा ना दूर हो मुझसे। पैसे मिल गए ना तुम लोगों को, अब क्या चाहते हो? हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए। वो पैसा हमारे लिए चंद सिक्कों के बराबर है। तो अब क्या चाहिए? ये डायमंड है ना? हाँ, दानी ने गिफ्ट किया था मुझे। तुमने उससे पूछा नहीं कि उसके पास ये कहाँ से आया? उसने ये डायमंड खरीदा था और मुझे बताया था कि ये भी उसकी इन्वेस्टमेंट है। घंटा इन्वेस्टमेंट। सारा, मुझे मेरे बाकी के हीरे चाहिए। क्या ये हीरे दानी के पास थे? अब याद आए हीरे? मैं नहीं जानती। अब बता कहाँ है हीरे? बोल। मैं नहीं जानती। देखो ना कितना लाल हो रहा है इसका मुंह और कपड़े गीले। सेक्सी गर्ल बोल, याद आया कहाँ है हीरे मेरे? बहुत सिद्धि है। मैं पूछता हूँ कहाँ हीरे, बता मुझे। Say it, you bitch! Leave me! Bloody hell! Put it there!
क्या कर रहा है? विस्की ढूंढ रहा हूं। ठीक है, मिल जाए तो मेरे लिए भी एक पैक बना लेना। और सुन, बर्फ थोड़ी ज्यादा रखना। सारा सारा क्या सीन है? याद आया हीरे कहाँ है? या बोलू नोमी को कि तुम्हारे ये चांद जैसे चेहरे पर ग्रहण लगा दे हैं? दानियल ने मुझे बैंक रॉबरी के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैं जानती हूँ कि हीरे किधर है। अभी भी तुम्हें सिर्फ लगता है? अब ये कोई नई बकवास शुरू करेगी। तुझसे बात की किसी ने? तुझे कहा ना ड्रिंक बना, बात समझ नहीं आती। हाँ सारा, तुम बता रही थी हीरे कहाँ हैं? टेरेस पे। चल। लो, आ गया टेरेस। बताओ कहाँ है? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ है। थोड़े दिन पहले मेरी रात को आंख खुली तो दानियल बेड पे नहीं था। उसको देखते देखते मैं यहाँ तक आई तो वो यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहा था? हाँ? मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही और कहा कि जाके सो जाओ। वो जब अंदर आया तो उसके पास एक अजीब सी महक आ रही थी। उसके हाथों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मुझे लगता है कि वो आज शायद कमरों में कुछ छुपा रहा था। यहाँ कमरों में? हाँ हाँ। सारे कमरे हैं लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इन्हें तोड़ने में। यही प्लान था ना तुम्हारा? ये नया चोचला वक्त जाया करने का। ए, क्या समझती हो तुम? यूं हमें ख्वार करके, यूं वक्त जाया करके तुम बच जाओगी? मतलब कोई आएगा और तुमको बचा कर ले जाएगा? What do you think? मैं हार मान जाऊंगा? You think I'm stupid? मैं सच कह रही हूं, just trust me. Oh, just shut up! मिला बाबा? क्या मिला? डायमंड्स की बात कर रहा हूं। अभी नहीं। तुम्हारा ड्रिंक। मेरी बर्फ कहाँ है? ओह, बर्फ पिघल गई। और मेरी दूसरी बर्फ। यू बास्टर्ड! Yeah.
मैं जानता था कि खून तेरा भी एक गंदे चोर का है। तू मुझे नहीं बताने वाला था ना हीरो के बारे में। या फिर तू मुझे सरप्राइज देना चाह रहा था? चुप्पा सर। देख माय ब्रदर फ्रॉम दूसरी मदर, हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था, और वो एक तू है। क्या समझते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कहो। हाँ, स्पीक अप बेबी। आई नो तुम्हें बोलने का बहुत शौक है। हाँ, स्पीक अप। हाँ,
तुम्हें अंधे के साथ हाइड एंड सीक खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना? सो नाउ लेट्स प्ले द गेम हनी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे साथ ही या मेरे साथ। इसको गौर से देख लो। दूसरा फेंको। You speak up, bloody bastard! तीसरा फेंको। एक काम करती हूँ, ये मैं सारी फेंक देती हूँ। ये चूहे बिल्ली का खेल अभी खत्म कर देती हूँ मैं। मत फेंकना। नहीं नहीं फेंकूंगी। सारा नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले मैं अपने दिल का बोझ तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। सारा सच ये है कि उस बैंक रॉबरी में उन दोनों के साथ मैं भी शामिल था। मेरी चलाई हुई बुलेट से तुम्हारी आंखों की रोशनी गई। प्लीज सारा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो सारा, प्लीज। मैं इस सच को छुपाकर तुम्हारे साथ अधूरी जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहता। प्लीज सारा मुझे माफ कर दो। तुम्हारे दानियाल से बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज उसे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। झांक रहा है कोई दिल की आंखों से, क्यों देखती है उसे मेरी आंखें बेसबब। किसी का आंसू मेरी आंखों को भिगो गया। न मैंने सोचा था ये सब वो जो मुझसे हो गया। झांक रहा कुछ खरीद कर किस्मत की दुकान से भर दूं उसका दामन खुशियों के सामान से।